मोर देन 1 लाख रुपए चीट किए गए हैं एक ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे पैसे कमाने की एडवर्टाइजमेंट सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे। और अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर आप देखते हैं तो उन पे भी कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं। तो उसके अंदर एक दिन के अंदर मोर देन 5 करोड़ रुपीज का ट्रांजेक्शन हमें मिला, जिसके अंदर यूनिक मोर देन 30,000 विक्टिम हमें यूनिक एक दिन के अंदर इसे ना मिले। पाए हैं मोर देन 200 करोड़ रुपीज हम उसका अभी तक ट्रांजेक्शन देख पाए हैं। और जो इसका पैसा आगे गया है वो भी हमने देखा है कि चाइना और दुबई के अंदर इसका फर्दर पैसा आगे गया है। हमें एक कंप्लेन मिली साइबर पुलिस स्टेशन आउट नॉर्थ के अंदर कि किसी से मोर देन 1 लाख रुपए चीट किए गए हैं एक ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे पैसे कमाने की एडवर्टाइजमेंट पे। उसने हमें बताया कि जब वो अपना इंस्टाग्राम को देख रहे थे तो उनको एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया जिसके अंदर ये था कि आप घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से 10 से 15 हज़ार रुपये पर डे कमा सकते हैं। ऐसे कई एडवर्टाइजमेंट अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे। और अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर आप देखते हैं तो उन पे भी कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं। ये एक नए तरीके का फ्रॉड है जो हमारे नोटिस में आया। हम सभी ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखते हैं बट इसके फ्रॉड होने का इनकी हमें भी सूचना नहीं थी। जब हमारे पास कंप्लेंट आई तो हम इसके अंदर पुलिस स्टेशन में दिसंबर के महीने में FIR रजिस्टर करके हम इसमें आगे बढ़े। और ये फ्रॉड हमारे विचार से बड़ा था। इसके अंदर अभी तक हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है लेकिन इसके इंटरनेशनल कनेक्शन भी हमारे सामने उजागर हुए हैं। जिस जगह हमारे विक्टिम का पैसा गया था उस अकाउंट को जब हमने खंगाला तो उसके अंदर एक दिन के अंदर मोर देन 5 करोड़ रुपीज का ट्रांजेक्शन हमें मिला, जिसके अंदर यूनिक मोर देन 30,000 विक्टिम हमें यूनिक एक दिन के अंदर उसे में मिले। उससे पैसा फर्दर जो ट्रांसफर किया गया था वो 7 फर्दर अकाउंट्स में 7 फर्दर कंपनीज में ट्रांसफर किया गया था। उनका टोटल जो अभी तक हम कर पाए हैं मोर देन 200 करोड़ रुपीज हम उसका अभी तक ट्रांजेक्शन देख पाए हैं। और जो इसका पैसा आगे गया है वो भी हमने देखा है कि चाइना और दुबई के अंदर इसका फर्दर पैसा आगे गया है। इसमें जब व्हाट्सएप और टेलीग्राम आईडीज जब हमने इसमें ली जो विक्टिम को प्रोवाइड की गई थी अलग अलग तरीके से कि भाई आपको एक ट्यूटर असाइन किया जाएगा, वो ट्यूटर के चार्जेस जैसे 200 रुपये उनसे लिए गए। फिर उनको बोला गया कि आप एक प्रोडक्ट खरीद लीजिए, इस प्रोडक्ट को आप हाफ प्राइस में खरीद लीजिए, फिर आपको सेल करेंगे तो इसका 20-30% आपको मिलेगा। तो उसके लिए उसने कुछ 18-20 हज़ार रुपये दिए। फिर इस तरीके से उनसे मोर देन 1 लाख रुपीज जब लिए गए और जिन जिन टेलीग्राम और व्हाट्सएप आईडीज से उनसे संपर्क हुआ और जिस वेबसाइट पे उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया, जब हमने इनके लिंक निकाले आईपी एड्रेस निकाली तो वेबसाइट का सर्वर हमें चाइना में मिला। और जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जो आईपी एड्रेसेस जो नंबर मिल रहे थे उनके आईपी एड्रेसेस भी हमें चाइना से लिंक इसमें मिले हैं। तो इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमें जारी है। एक जो मुख्य अभियुक्त हमारा इसके अंदर है जो हमें अभी वांटेड है, जिसका हमें ये अंदाजा है कि वो जॉर्जिया के अंदर है, उस बंदे का नाम विकास मल्होत्रा एलियास जसप्रीत है जो वेस्ट दिल्ली के इलाके से रहने वाला है। उसके ऊपर 2 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है, एक 2016 का है जिसमें 376 का रेप का मुकदमा है और एक 2018 का है जिसमें इसमें क्राइम ब्रांच में 419-420 का उसमें मुकदमा है, जिसमें उसने किसी बेंगलोर की लेडी को ऑयल सेल करने के लिए चीट किया था तो उसके ऊपर क्राइम ब्रांच ने उसमें FIR रजिस्टर की थी। ये अभी तक हमारा इसमें प्राइम अभियुक्त है। बाकी और इन्फॉर्मेशन हम इसमें निकालेंगे तो हम इसमें आपको फर्दर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन मेरी आप सब लोगों से ये विनती है कि आप ये चीज़ बताएं कि इस तरीके का एक नया फ्रॉड ये मार्केट में है कि लोग घर बैठे कैसे इंटरनेट के माध्यम से, और चूंकि अभी 4G के बाद में 5G भी अभी अपने हाथ में है तो इंटरनेट बहुत फास्ट है और लोग कोशिश करते हैं कि कैसे घर बैठे अपना घर भी देख सकें और कैसे हम घर बैठे अपना गुजारा भी ज़्यादा 10 से 15 हज़ार रुपये पर डे या जो भी मिलता है वो हम कर सकें। तो मेरी आप सबसे विनती है कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा रह के पब्लिक को आप अवेयर करें इस मैसेज के द्वारा कि ऐसे किसी भी एडवर्टाइजमेंट को आप अगर देखते हैं या किसी भी ऐसे लुभावने ऑफर को आप देखते हैं तो उसको वेरीफाई करें। उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फ्रॉड हो, चाहे आपके साथ 200 रुपये 50 रुपये का ही फ्रॉड क्यों ना हो, लेकिन ऐसे जब लाखों हजारों लोग मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है जो अभी तक हमने देखा है। थैंक यू। इसके अंदर एक बंदा जो अभिषेक पकड़ा गया है वो पेटीएम में डिप्टी मैनेजर है, उस बंदे को हमने बेंगलोर से यहाँ से गुड़गांव से पकड़ा है, बाकी एक नजफगढ़ से पकड़ा है और एक हरियाणा से, हमने 3 बंदे इसके अंदर पकड़े हैं। तो
जो अभिषेक मैं आपको बता रहा हूँ, जिनको हमने डिप्टी मैनेजर पेटीएम में है, उसका पूरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखने का उसका पूरा रोल था कि वो कैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लेफ्ट राइट कर सकता है और कैसे यूपीआई आईडी देने का, उस चीज़ का इसका रोल था। बाकी दो बंदे जो और पकड़े हैं, वो जो हमारा मुख्य विकास, जैसे एक बंदा हमने पकड़ा है संदीप और एक सतीश हमने पकड़ा है, ये मेरी पूरी हमारी जो प्रेस रिलीज है इसके अंदर इनकी सारी डिटेल हमने लिख रखी है। इनको जो पकड़ा है उसमें एक बंदे का तो शेल कंपनी है जिस महिला फार्म के नाम से, जिसमें से पैसा रेजर पे के थ्रू आगे इंटरनेशनली पैसा ट्रांसफर हुआ है, उस बंदे को हमने हरियाणा से पकड़ा है, और बाकी एक को हमने नजफगढ़ से पकड़ा है, जो हमारे जो मुख्य अभियुक्त एक और वांटेड है विकास मल्होत्रा, उसके कंटिन्यूस टच में था। ये इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट देते हैं, या फिर जो हमें यूएसडीटी एक तरीका मिला है, यूएसडीटी एक क्रिप्टो करेंसी के रूप में लेते हैं, या एक ऑफशोर के रूप में भी क्रिप्टो करेंसी है, वो क्रिप्टो करेंसी इंडियन पैसे से खरीदते हैं और फिर उसको ऑफशोर ट्रांसफर करते हैं। हाँ, बाइनेंस से हमने वॉलेट मिला है। हाँ नहीं, अभी उसकी और इन्वेस्टिगेशन जारी है, उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ये दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके अंदर जो हमारी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन जो हुई है उसके बेसिस पे ही हमने इनसे पकड़ा है, और इनके पास से जैसे जो मोबाइल यूज हो रहा है, लैपटॉप यूज हो रहा है कम्युनिकेशन के लिए, वो सारे गैजेट्स डिटेल्स हमें इनसे मिले हैं। देखिए, मेंबरशिप के लिए पैसे 200 या 500 कितना भी ले सकते हैं, देट में वेरी, बट हाँ, इस केस में हमारे विक्टिम से 200 रुपये लिए गए थे एज ए चार्ज, मेंबरशिप के लिए नहीं था, वो भी उस तरीके से था कि आपको ट्यूटर दिया जाएगा जो आपको बताएगा कि इस तरीके से आप कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो वो ट्यूटर असाइन करने के लिए, ट्यूटर जब आपको बताएगा कि वीडियो दिखाएगा, आपको गाइड करेगा, आपकी क्लासेस लेगा, तो उसके लिए उससे 200 रुपये लिए गए। उसके बाद में जब अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे आपको कह देंगे कि ये 50,000 का प्रोडक्ट है, आप इसको खरीद लीजिए पहले 40% पैसा देके, फिर आप ये प्रोडक्ट आप पे सेल कर दीजिए, जब आप 40% पैसा देके उसको खरीद लेंगे और फिर आपके पास अकाउंट में आ भी जाएगा, क्योंकि बैक चैनल तो वेबसाइट का जो आप रजिस्टर कर रहे हो वो तो पूरा तो उन्हीं के पास में है, अक्यूज के पास में है, तो वो अपने हिसाब से चेंज कर देंगे कि आपका इतना पैसा इसके अंदर है, विड्रॉ करने के लिए आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, या विड्रॉ करने के लिए आपको पहले इतना पैसा हमारे जमा कराना पड़ेगा कि आप विड्रॉ करके आगे भी हमारे साथ काम करेंगे। तो उस तरीके से उनसे अलग अलग तरीके होते हैं, या ट्यूटर आपको कह देगा कि आप प्लीज ये खरीद लीजिए, इसको ले लीजिए, वरना मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगर आदमी इमोशनल हो सकता है इमोशनल हो जाए, अगर लालच में आ जाता है लालच में आ जाए, जिस भी तरीके से जो भी हथियार अपना सकते हैं वो अपनाएंगे और फिर आपसे पैसे लेंगे। ये ही इस केस में भी हुआ है। उसमें प्रोडक्ट सेल करके फिक्स परसेंटेज के ऊपर है कि आप कितना प्रोडक्ट सेल करेंगे और कितना आपको परसेंटेज मिलेगा, लेकिन मोडस में फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इस केस को ना देख के आप ये देखें कि मोडस ऑपरेंडी कुछ भी हो सकता है। हमें अलग अलग तरीके के मोडस ऑपरेंडी भी मिलते हैं, कि जो आप बता रहे हैं कि इंट्राडे में आप 2 लाख रुपये देंगे तो आपको एक साल के अंदर 2-4 लाख रुपये मिल जाएंगे, या आप ऑनलाइन इन्वेस्ट कर दीजिए, हमारी ये कंपनी है और ये जो हमारी इंटरनेट के माध्यम से पैसे कमाने वाली, ऐसी भी बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट और चीज़ें आती हैं जो आप हम सभी लोगों ने देखी हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करने के लिए ज़्यादा आवश्यक है कि लोग इसका विक्टिम ना बने। सर, क्या ये जैसे चाइना पे तो पहले ये थी कि वो लोन वाली जो ऐप थी वो बंद हो गई है, क्या चाइना का ही ये एक नया वर्जन है कि वो वहाँ से दुबई के जरिए इस तरीके की वेब चला के पैसा कमा रहे हैं? इसमें हमें चाइना के लिंक मिले हैं, इसके अंदर हमें कोई डाउट नहीं है, जो सर्वर भी है वो भी वहाँ पे बेस्ड है, जो पैसे भी ट्रांसफ़र हुए हैं उसके अंदर भी हमें काफ़ी लीड है, और जो आईपी एड्रेस भी टेलीग्राम और वहाँ पे मिली है वो आईपी एड्रेस भी चाइना बेस्ड है, लेकिन हम इसको ये अभी कंक्लूसिवली नहीं कह सकते हैं कि ये उसका एक रिप्लेसमेंट है, बट हाँ ये चल रहा है। बैंक अकाउंट जो हमें मिला है उसके अंदर 5 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन एक दिन के अंदर है, और उसमें 30,000 से ज़्यादा यूनिक विक्टिम है। तो क्या अभी कुछ और लोग भी हो सकते हैं, जैसे आपने बताया कि जॉर्जिया में है शायद, क्या उसके अलावा भी कोई और? सर्टेनली, 100%। थैंक यू सर। थैंक यू।